नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों की ओर। दिल्ली में हो रही गाय की दुर्दशा को देखते हुए आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी ने नारायणा में कैंडल मार्च निकालते हुए भारत सरकार, दिल्ली सरकार व निगम से अपील की है कि दिल्ली में जितनी भी लावारिस गाय घूम रही है उनको तुरंत गौशाला तक पहुँचाया जाए। अगर सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती तो यह कैंडल मार्च दिल्ली के हर एक विधानसभा में निकाला जाएगा। पेश है आरबीएम न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ ने नारायणा में जो कैंडल मार्च निकाली है वो हम एक अपील के रूप में निकाली है, एक मांग के रूप में निकाली है। जो हम मांग करते हैं भारत सरकार, दिल्ली सरकार और निगम से कि दिल्ली में हो रही जो गायों की दुर्दशा है उसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इंद्रप्रस्थ संजीवनी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये कैंडल मार्च हमने राजेंद्र नगर विधानसभा नारायणा में निकाली है, ऐसे सभी विधानसभाओं में हम कैंडल मार्च निकालेंगे। हमारी मांग है कि जो कूड़ा घर में हमारी गाय माता है, सड़कों पे जो गाय माता है, लावारिस घूम रही है, उस पर तुरंत कार्रवाई की सरकार और सरकार इनको गौशाला तक पहुँचाए। जो गायें हमारे यहाँ आसपास रहती हैं वो पूरा पूरा दिन पॉलीथिन खाती है, कूड़ेदान में रहती है, ये मानव जाति पर एक पूरा कलंक है। अगर ये सरकार देख रही है तो क्यों इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? हमारे दिल्ली में सातों सांसद जो देख रहे हैं वो क्यों नहीं संसद में ये इसको प्रश्न को उठाते कि दिल्ली में जो ऐसी गायें घूम रही हैं, लावारिस हैं, इनको गौशाला में पहुंचाया जाए। दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आम आदमी हैं, क्या उनको नज़र नहीं आता कि हमारी गायें माता सड़कों पर है, कूड़ेदान में है? क्यों नहीं वो कोई कार्रवाई करते? आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी मांग करती है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, दिल्ली की सड़कों से जितनी भी गायें हैं वो गौशाला तक पहुंचाई जाए। मैं मीनू दीवान राजेंद्र नगर विधानसभा इंद्रप्रस्थ संजीवनी की कन्वीनर हूं और मैं सबसे यहां पे पहली बात अपना आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन लोग ने हमारा यहां पे सहयोग किया और उसके बाद में सबको धन्यवाद देते हुए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने अपने क्षेत्र में गौ माता के प्रति होती हुई हिंसा को रोकें। मादीपुर विधानसभा से सबसे पहले तो इंद्रप्रस्थ एनजीओ का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा मुद्दा उठाया सेल्फी विद मदर 14 नवंबर से, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, जिसमें हमारे साथ आसपास के स्थानीय लोग तो बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। पर दिल्ली सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। जो हमारे गांव गौ माता के साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कैसे भी कूड़ा डाल देता है, स्पेसिफिकली पॉलिथिन्स में डालते हैं ये लोग और वो उनके अंदर जाके जहर का काम करते हैं जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। और हम ये विषय तब तक उठाएंगे जब तक हमारी सातों विधानसभा के सांसद वहां पर लोकसभा के अंदर कोई ऑडियंस ना लेके आए जिससे हम वाकई में मतलब रियल सेंस में गौ माता की प्रोटेक्शन हो सके। दिल्ली से संवाददाता अरुण कौशल की रिपोर्ट, आरबीएम न्यूज इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आरबीएम न्यूज। नमस्कार।